हाय एवरीवन, आई एम सुरक्षा आज ए फ्रेंड। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का ग्लास बनाना सिखाऊंगा। वीडियो कंप्लीट वॉच के स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड किया जाएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी नेम टाइप कर देना। यहाँ पर मैं नेम टाइप करूँगा हीर, ठीक है। हीर लिखने के बाद आप लोगों ने सिंपली करना डन पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ए बी वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी फॉन्ट लगा लेना है। यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट लगाऊंगा। अब आप लोगों ने करना है कि साइज इसका इंक्रीज़ कर लेना है और इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देना है। फिर आप लोगों ने मिडिल मैन है, इंपोर्ट मैन है और एक पीएनजी ऐड करना है जो कि मैं जल्दी जल्दी मैं ले लूँगा। ये वाला पीएनजी मैंने ऐड कर लिया। अब आप लोगों ने करना है कि सिंपली अरेज कलर मैंने इसको इनेबल कर लेना है। वन पे क्लिक करके इसको यहाँ पर लेना, ओके कर देना, टॉलरेंस फॉलो कर देनी। अब आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है। फिर आप लोगों ने शेप मैंने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है और सेव एज इमेज पे क्लिक करके इसको आप लोगों ने अल्ट्रा क्वालिटी में रखकर सेव टू गैलरी कर लेना है। अब आप लोगों ने आना है पी एस टच ऐप में। अब मैं यहाँ पर पी एस टच ऐप में आ चुका हूँ। आप लोगों ने प्लस पे क्लिक करनी, फोटो लाइब्रेरी मैंने और यहाँ पर पी एस सी सी वाला फोल्डर ढूंढ लेना है और अपनी पिक ऐड कर लेनी। यहाँ पर आता हूँ और अपनी पिक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर आप लोगों ने ये वाली पिक ऐड करनी है। आप कोई भी पिक ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली अपना नेम ऐड कर लेना जो आप लोगों ने लिखा पिक्सल वाले फोल्डर में मैंने लिखा हुआ था। तो यहाँ पर मैं भाई अपना नेम ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाला नेम ऐड कर लिया। नेम ऐड करने के बाद आप लोगों ने करना है कि सिंपली इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना है कि फर्स्ट वाली लेयर की दो डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, टू लाइंस पे आना, एडजस्टमेंट बना कर इसको इन्वर्ट कर देना है तो ये ब्लैक हो जाएगा। अब आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन कर देना है। फिर सेकंड लेयर मैंने एफ एक्स मैंने और ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना है। जो इसकी सेटिंग है वही रहने देनी है। टेक पे क्लिक कर देना है और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर थर्ड वाली लेयर मैंने एफ एक्स में आना है और बेबल में आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने ब्लर 30 पे करना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी 30 पे करनी है। कलर ब्लैक कर लेना है और एंगल 135 पे कर लेना है। फिर आप लोगों ने करना है कि इस पर बेबल लगा देना है और फिर बेबल लगा देना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने ब्लेंड मोड इसका लैटिन कर देना है। फिर फर्स्ट लेयर में आना है जिसको आप लोगों ने ब्लैक किया था, एफ एक्स में आना है और ग्लो में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने 0.6 ब्लर करना है और कलर वाइट कर देना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर देना है, मोड प्लस करना है, ये वाला पार्ट आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ये वाला पार्ट सेलेक्ट करना है और ये वाला पार्ट सेलेक्ट आप लोगों ने कर देना है। फिर आप लोगों ने ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर देना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सारा सेलेक्ट हो गया। तो फ्रेंड ये सारा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों ने करना है कि लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर देनी है और पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना। इतना होने के बाद आप लोगों ने एफ एक्स में आना है, बेबल में आना है और जो ब्लर है ना ये आप लोगों ने 15 पे करना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी 15 पे करनी है। कलर वाइट करना है, पहला एंगल आप लोगों ने 180 करना है और जो दूसरा एंगल है ना ये आप लोगों ने 45 पे करना है और जो तीसरा एंगल है ये आप लोगों ने 135 पे कर देना जहाँ तक, ठीक है, 140 पे। फिर आप लोगों ने टू लाइन्स पहना है और कर्व्स में आना, कर्व्स की आप लोगों ने ये सेटिंग रख लेनी है। फिर आप लोगों ने इसको ऊपर कर देना, एफ एक्स में आना है, फोटो में आना है और यहाँ पर आप लोगों ने सनी आफ्टरनून ले लेना है, इसको फॉलो कर देना है। फिर सेकेंड ईयर को सिलेक्ट करना है, मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर देना है, मोड को आप लोगों ने ना इस हालत में कर देना है, ठीक है, ना प्लस कर देना ना माइनस करना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है, एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है और कलर आप लोगों ने कोई भी रख लेना है, ठीक है, जो भी आप लोगों को ठीक लगे। इतना होने के बाद आप लोगों ने ये वाला कलर रख लेना है। फिर आप लोगों ने ये वाला कलर रख लेना है और यहाँ पर मैं रेड कलर कर देता हूँ। फिर आप लोगों ने करना है कि सिंपली यहाँ पर ये वाला कलर रख लेना है और इस पर आप लोगों ने ये वाला सेलेक्ट कर देना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना क्या, मोड प्लस करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये वाला सॉरी छोड़ देना है आप लोगों ने, ये पर्पल पे भी क्लिक थी, आप लोगों ने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आना है। फिर आप लोगों ने फर्स्ट लेयर में आना है, सॉरी आप लोगों ने इस वाली फर्स्ट लेयर में आना है और फिर एंड स्ट्रोक में आना है, टाइप पर क्लिक करके नॉइज ले लेना है और कलर वाइट कर देना है, यहाँ तक हो गया। फिर आप लोगों ने करना है कि इसी लेयर को सिलेक्ट रखना है, सिलेक्ट पिक्सल कर देना है, फिर पेंसिल में आना और ट्रांसफार्म में आना, एक्सपेंड पर क्लिक करके इसको फोल्ड कर देना है। यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने एम्प्टी लेयर ले लेनी है, एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में ना, टाइप पे क्लिक करके स्ट्रोक ले लेनी है और इसकी वेथ आप लोगों ने जितनी है उतनी ही रहने देनी है। फिर आप लोगों ने करना है एफ एक्स में आना है, बेसिक में आना है और बेवल में आ जाना है। बाकी जो सेटिंग है वही रहने देनी, पहला एंगल 180 कर देना है और फिर आना है इसको 45 पे कर देना है। फिर आप लोगों ने आना है और यहाँ पे 135 पे कर देना है तकरीबन यहाँ पे। फिर टू लाइन्स पे आना है और कर्व्स में आ जाना है, कर्व्स की यही सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी, इसको ऊपर कर देना है, एफ एक्स में आना है और ग्लो में आ जाना है। यहाँ तक होने के बाद आप देख सकते हैं आप लोगों का ग्लास वन रेडी है। बाकी लाइट आप खुद लगा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को ये बात बताई हुई कि लाइट कैसे लगाई जाती है। आप लोग डन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है, शेयर पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। फ्रेंड आज की हमारी बात यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।